आज आपके यहाँ प्रोग्राम है भारत वर्सेज नेपाल सोप्रो की इंटरनेशनल चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इसमें एक तो इसमें भारत और नेपाल के एक मैत्री और मित्रता फ्रेंडशिप ऐसा भी हो गया। एक क्या है कि जो सॉफ्ट हॉकी से एक हमारे को मतलब नया गेम भी एक सीखने को मिला, ताकि क्योंकि हमारे बच्चे लोग नहीं खेलते हैं सॉफ्ट हॉकी, फील्ड हॉकी खेलते हैं, तो आप लोग आए और सॉफ्ट हॉकी खेले हम, तो बहुत अच्छा लगा इसमें। तो आगे कैसे फ्यूचर देखते हो कि सॉफ्ट हॉकी फील्ड हॉकी के बराबर आ जाएगा, क्या आपका विचार है? हाँ, इसमें क्योंकि सॉफ्ट हॉकी में इंजुरी कम होगा, सॉफ्ट हॉकी समथिंग मतलब कि फील्ड हॉकी जैसा है, थोड़ा से रूल अलग है, लेकिन सॉफ्ट हॉकी खेलते खेलते एक हम फील्ड हॉकी भी खेल सकते हैं, इसमें बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है इसमें। आप नेपाल में सॉफ्ट हॉकी का कैसा भविष्य देखते हैं, इसका बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, का विचार कर रहे हैं? इसमें हम सॉफ्ट हॉकी के लिए सबसे पहले तो हम इंडोर हॉकी कराएंगे, जैसे स्कूल इंटर स्कूल करा के सॉफ्ट हॉकी में, क्योंकि बच्चे लोग भी इसमें खेल सकते हैं, इंजुरी नहीं हो सकता है इसमें, कम इंजुरी है इसमें, तो इसमें क्या है हम इम्प्रूव ला सकते हैं इसमें। आप खुद सॉफ्ट हॉकी के प्लेयर रहे और इंडिया आर्मी में रह चुके हैं, तो आपका कैसे इंडिया का लगाव रहा होगा आपको, तो आपने इंडिया अभी नेपाल की टीम के साथ सहयोग कर रहे हैं, और जब इंडिया अभी मैच जीता और आपका भी एक दो मैच बराबर रहे, तो कैसा अनुभव रहा खेल में, क्या कमी रही एक दूसरे के टीम में? नहीं, इंडिया टीम मतलब इंडिया नेपाल बेटर जीते, मतलब दोनों टीम बढ़िया खेला है, लेकिन क्या है कि जैसे नेपाल का टीम है उसमें क्या है कि थोड़ा से रूल्स का प्रॉब्लम हो गया, और इंडिया का क्या है कि इंडिया का तो मतलब राष्ट्र गेम ही हॉकी है, तो पहले भी मतलब राष्ट्रीय गेम हॉकी है, तो इसलिए इंडिया में क्या है ज़्यादा जी हो गया उनके लिए। तो आप बाय द वे अगर हमारी इंटरनेशनल बॉडी द्वारा सॉफ्ट हॉकी लीग शुरू की जाती है, तो आपके प्लेयर और आप कैसे देखते हैं कि उज्जवल भविष्य नेपाल के खिलाड़ियों का? नहीं, इसमें अच्छा है अगर हम इंडिया में जाके खेल पाएंगे, एक तो इंटरनेशनल गेम हो गया और बच्चे को भी एकदम तो मोरल हाई होगा इसमें, तो एकदम बहुत बढ़िया लगेगा इसमें। अच्छा, बहुत बहुत थैंक यू। अपना नाम बताते हैं? थैंक यू, मैं राजू थापा गंडी के प्रदेश हॉकी टीम में अभी पदस्थ हूँ सर के साथ। थैंक यू सो मच।